अभी यहाँ पे ब्रोकोली बॉयल हो रहा है, तो अभी बनाया जाएगा मलाई ब्रोकोली तंदूरी स्टाइल में। तो तंदूर में मलाई ब्रोकोली कैसा बनाया जाता है वो रेसिपी आपको दिखाएंगे आज। तो सबसे पहले ब्रोकोली को कट करके उसको बॉयल किया जा रहा है, मतलब प्लांट से थोड़ा ज़्यादा बॉयल किया जाएगा, क्योंकि क्या है ये पैन टॉस नहीं होगा, तंदूर में पकाया जाएगा, इसके ऊपर से कुछ मसाला वगैरह डाला जाएगा। तो सबसे पहले इसको बॉयल किया जाएगा, 60% बॉयल किया जाएगा, उसके बाद इसका आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो लेट्स सी, जुड़े रहिए वीडियो के साथ। और इसको स्ट्रेन कर देंगे, अभी कलर मस्त आया है, और अभी इसको करेंगे मैरिनेशन। तो चलिए देखते हैं। चलो अभी ब्रोकोली को मैरिनेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे ब्रोकोली बॉईल करके सेट करके दिया गया, अब इसको पानी निचोड़ के अब इसको तंदूर में डाला जाएगा। पहले तो मैरिनेशन किया जाएगा। तो मैरिनेशन कैसा करते तो वो आप देख लीजिए, आपके पास तंदूर है घर पे भी बना सकते हो ऐसा। आपके पास ब्रोकोली नहीं है तो आप इससे भी बना सकते हो, कॉलीफ्लावर से भी होता है, फ्लावर से भी बना सकते हैं। और आज का ये जो ब्रोकोली मलाई ब्रोकोली जो रेसिपी है वो अभी शेयर कर रहे हैं शेफ मिठुन। तो मिठुन शेफ कुछ बोलेंगे अभी। तो दोस्तों मैं मसाला पहले से बना के लिया, तो अभी ये डालेंगे। यहाँ पे व्हाइट मसाला पहले से बना हुआ है, मलाई मसाला पहले बना हुआ है, मसाला पहले। तो इसका रेसिपी कभी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो उसके साथ अभी देखो से मिक्स किया जा रहा है। ये जो मलाई है थोड़ा आपको स्वीटनेस रहेगा, और इसमें लॉट्स ऑफ चीज डाला हुआ है, तो ये बहुत हैवी है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मसाला पूरा अंदर जा चुका है, पूरा मैरिनेशन हो चुका है। तो अभी मैं इसको सालिया में लगाएंगे, आप लोग देखते रहिए। अभी ये सालिया में डाला जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरह आप लोग सालिया में डालने का, जैसे मैं डाल रहा हूँ। तो क्वांटिटी अपना हिसाब से ले लिया, एक पोर्शन में जितना ज्यादा है तो वो हिसाब से लिया, अपना हिसाब से लिया। आप लोग चाहे तो ज्यादा भी बना सकते हैं। बेहतरीन डिश है बच्चे लोगों के लिए, और स्वीट डिश है, आप नॉन स्पाइसी डिश है। दिस इज वेरी हेल्दी। ओके, दिस इज वेरी हेल्दी मलाई ब्रोकोली मेड बाय शेफ मिथुन बासु। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं इस तरह पूरा शारिया में डाल लिया। तो अभी इसको भाटी में डालेंगे, मसाला ऊपर से और थोड़ा डाला जा रहा है, और इसके बाद इसको तंदूर में डाला जाएगा। तो तंदूर में डालने के बाद इसका जो टेक्सचर है ना वो और बढ़िया दिखेगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह में लगा लिया, तो अभी इसको भाटी में डालेंगे। तो दोस्तों अभी भाटी में डालेंगे, देखिए आप लोग अभी डाल दिया। तो मैं इसको डाल दिया कि ब्रोकोली हम लोग पहले से बॉईल करके लिया, तो ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। तो 5 मिनट के लिए इसके अंदर छोड़ देंगे, और इसको जैसा बाहर से टेक्सचर आ जाएगा अच्छा पकने का, कलर और जो चीज़। तो अभी देखो, तो दोस्तों आप लोग देख सकता है ब्रोकोली पूरा पक चुका है, इसका मसाला जो है ऊपर से पूरा ब्राउन हो गया, और अंदर से जो क्रीमीनेस है वो बरकरार है। तो इस तरह पका लेने का, ये हो चुका है। मैं थोड़ा बटर मार देंगे इसमें, तो अप्लाई ऑन टॉप एंड बटर। अब इसको फिर से थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दिया जाएगा तंदूर में 2 मिनट, उसके बाद फिर निकाल लेंगे। तो लेट्स सी, देखते रहिए वीडियो को एंड तक, इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ब्रोकोली कैसा पकाया जाता है तो उस प्रोसेस को आप इस प्रोसेस को फॉलो करके मलाई ब्रोकोली बना सकते हो, बेहतरीन डिश है। तो दोस्तों थोड़ा ऊपर से सीज मार देंगे हम, क्योंकि अपना जो प्रोसेस है वो तो करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कलर देखिए, ऊपर से थोड़ा प्रोसेस चीज डाला जा रहा है।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं सीस मार दिया, अभी 10 सेकंड के लिए अंदर छोड़ देंगे क्योंकि सीस पिघलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा सीस पूरा मेल्ट हो चुका है, तो अब इसको निकाल देंगे। इसको भी प्लेटिंग किया जा रहा है। सबसे पहले जो ग्रीन चटनी होता है वो तंदूर में ऑलमोस्ट होता है ग्रीन चटनी, तो हम ग्रीन चटनी डाल दिया। अभी जो ऑनियन सलाद होता है तो हम थोड़ा यूनिक स्टाइल में डाल दिया पापड़ में, लेकिन हर जगह नहीं मिलता है, ये थोड़ा यूनिक स्टाइल है। तो मेरा तंदूरी मलाई ब्रोकोली रेडी है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना इसमें, तो अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना और मेरे फेस को फॉलो कर देना। आज के लिए थैंक यू, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।